ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 29 भक्ति योग श्लोक क्रमांक 9 11 स्कंद अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 9। कुर्यात् सर्वाणि सर्वाणि कर्माणि कर्माणि मत् अर्थम् शनकैः स्मरन् मयि अर्पित मनः चित्तः मत् धर्मा आत्ममनः रतिः। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्मनो रतिः। कुर्यात् करे सर्वाणी सभी कर्माणी नियत कार्यकलाप मत अर्थम मेरे लिए शनकैः जल्दबाजी किए बिना स्मरण स्मरण करते हुए मई मुझको अर्पित चढ़ाया गया मनः चित्तः मन तथा बुद्धि मत धर्म मेरी भक्ति आत्ममनः अपने मन का रति ही आकर्षण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरे करे। उसे चाहिए कि वह मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। तात्पर्य मद धर्मात्म मनोरथि ही का अर्थ यह होता है कि मनुष्य का सारा प्रेम और स्नेह श्री भगवान को प्रसन्न करने में लगाया जाए। यहाँ इसका संकेत नहीं किया गया है कि भक्ति में अपने स्वार्थ की तुष्टि के आस्वादन का प्रयास किया जाए, प्रत्युत उसे श्री भगवान की प्रसन्नता के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही परंपरा के प्रामाणिक गुरु के आदेश को श्रद्धापूर्वक पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के भी भीतर अपनी निजी तुष्टि के प्रति आसक्ति भौतिकवादी है, जबकि श्री भगवान की तुष्टि के प्रति आसक्ति शुद्ध आध्यात्मिक भाव है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द
श्रीयद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकै स्मरन् मयि अर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्म मनोरतिः। आज प्रातःकालीन कक्षा में जो विषय हम चर्चा कर रहे थे उसी को ही आगे बढ़ाते हुए ये श्लोक हम आज चर्चा करेंगे। अभी सुबह हमने देखा कि जिस व्यक्ति ने इस भौतिक जगत की ये जो सच्चाई है कि इस भौतिक जगत का जो सारा इंद्रिय भोग है, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक, इंद्रिय स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, वो सभी प्रकार का जो भौतिक सुख है वो माया सुख है, वो वास्तविक नहीं है, और इसको जान करके जो निर्विन्न चेतसः हो गया है, जो अनासक्त हो गया है, और जो भगवान की सेवा में आकृष्ट हो गया है, उसके लिए भगवान की निरंतर सेवा में कमी आना कैसे संभव है, ये आज का सुबह का प्रश्न श्लोक था। अर्थात हमारी भक्ति में, सेवा में, साधना में यदि कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इको इको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे तक आवाज़ आ रही है? ओके, उधर नहीं आ रही किसी को? भारत की प्रगति पूरी नहीं हुई, अभी भी लाइट जाती है। मोदी जी का बहुत काम बाकी है अभी। तो ये दो चीजें जिसको ग्रहण हुई हैं उस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, ये हमारा सुबह का विषय था। तो उसमें हमने एक के ऊपर चर्चा अधिक की कि इस भौतिक जगत से अनासक्ति या इस भौतिक जगत की जो वास्तविकता है उसको पहचानने के लिए क्या ज़रूरी है, और उसमें हमने देखा कि हमारी पूरी वैदिक संस्कृति के अंदर भगवान ने जो जीवन शैली दी है और सारे शास्त्र के निर्देश जो दिए हैं वो इस प्रकार से हैं कि उसके द्वारा सब लोग सामान्य रूप से धीरे धीरे इस समाज की, इस संसार की वास्तविकता को समझेंगे। लेकिन जो आधुनिक, विशेष रूप से आधुनिक समाज, वो इस समाज की वास्तविकता को ढकने का काम करता है, जिससे कि लोग बूढ़े होने पर भी अबोध रह जाते हैं, उनकी आयु बढ़ती है लेकिन साक्षात्कार कुछ नहीं होता, ये जगत की सच्चाई को वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि कैसे शास्त्रों का श्रवण करने पर ऐसे सत्संग होने चाहिए। तो वैदिक संस्कृति के अंदर नियमित रूप से ये सत्संग श्रवण जो है वो नियमित रूप से होता है। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, अभी भी गुजरात के अंदर या उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर श्रीमद् भागवत सप्ताह तो है, लेकिन वो श्रीमद् भागवत सप्ताह का माया ने उसको भी ढक लिया है, वो जो उसका जो पूरा सार है अभी वो मनोरंजन जैसा ही रह गया है, जबकि उसका उद्देश्य है संसार की वास्तविकता को उजागर करना, जिससे हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी ये समझ पाए कि ये संसार दुखालयम है और उसका स्थान इस संसार में नहीं है,
वो इस संसार में रहने के लिए नहीं बना है। एक बार इस संदर्भ में एक बॉम्बे के अंदर श्रीला प्रभुपाद थे, तो एक कोई तथाकथित आध्यात्मिक ग्रुप था, कोई स्त्री थी उसकी नायिका, तो वो आए श्रीला प्रभुपाद को कुछ एक निमंत्रण देने के लिए कि हम एक सर्वधर्म मेला कुछ कर रहे हैं, तो आप भी उसमें आइए। तो उन्होंने प्रभुपाद को वो निमंत्रण दिया और बोला कि ये संसार में सुख शांति उत्पन्न हो, इसके लिए हम एक ये सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं, मेला कर रहे हैं, तो आप भी इसमें आइए। तो श्रीला प्रभुपाद बोले कि भगवान तो भगवद्गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम है ये जगत, तो आप इस संसार को सुखालयम कैसे बनाएंगे, आप तो धोखा दे रहे हैं। तो वो पूरा उठ के भाग गए वहाँ से। तो संसार में ये जो दुखालयम है, ये जो सच्चाई है, तो इसको समझने के लिए नियमित रूप से इस प्रकार से श्रवण होना चाहिए। लेकिन आज जो भागवत या जो अन्य कथा हो रही है सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, उल्टी डायरेक्शन हो रही है। आप देखिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका यही है कि कैसे अलग अलग सुदर्शन क्रिया या ये क्रिया वो क्रिया करने से आप कैसे इस जगत को सुखमय बना सकते हैं, इस जगत में आपकी स्थिति को कैसे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की बिल्कुल आधारभूत संदेश यह है कि इस जगत में सुख मत ढूंढो, इस जगत में सुख मत ढूंढो, अर्थात इस जगत में आसक्त रहते हुए सुख मत ढूंढो। भौतिक इंद्रिय भोग में सुख नहीं है किसी भी प्रकार के स्तर पे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा सम्मान किसी भी चीज़ में वो सुख नहीं है। तो ये शिक्षा निरंतर ये होनी चाहिए। और सबसे प्रमुख फिर हमने देखा कि भगवत संग में भगवान के विषय में सुनने में स्वाभाविक रूप से ये जगत की वास्तविकता हम समझ पाते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तय भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। तो भगवान स्वयं जो भक्त उनके हृदय उनके विषय में सुनने के लिए तत्पर हैं, भगवान स्वयं उनके हृदय में जाकर के ये अज्ञानता का नाश करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो तो इसलिए ये नियमित श्रवण जरूरी है। अभी उसके बाद आगे का दूसरा जो विषय है वो ये है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाना, तो उसका भी यही मार्ग है सर्वश्रेष्ठ, और वास्तव में उसका तो एकमात्र मार्ग यही है। क्योंकि इस जगत से अनासक्ति उत्पन्न करने के लिए तो शुद्ध भक्ति के अलावा और भी मार्ग हैं, विश्लेषणात्मक, इस संसार का तर्क बुद्धि से इसका विश्लेषण करना, संसार किन किन तत्वों का बना हुआ है, आत्मा और शरीर में भेद करना, पदार्थ और चिन्मय आत्मा में क्या अंतर है, इसको इसका विश्लेषण करना, इसको एनालाइज करना, इस तरह से तर्क से भी इस संसार के प्रति अनासक्त हुआ जा सकता है। लेकिन दूसरा जो विषय है कि भगवान में आसक्त होना, उसके लिए तो केवल शुद्ध भक्ति ही आवश्यक है, शुद्ध भक्ति के अलावा अन्य मार्ग उसके लिए नहीं है। तब ये हमारा आज का विषय है कि भगवान में आसक्ति कैसे बढ़ाई जाए। तो उसमें ऑलरेडी कुछ अच्छे प्रश्न थे सुबह कि भगवान की आसक्ति, भगवान को अपने बलराम जी से क्या आसक्ति। तो भगवान में आसक्त होना वो शुद्ध माया है, वो अंतरंग माया है, वो वांछनीय है भगवान में आसक्त होना। तो यशोदा का जो या देवकी का जो अपने जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, तो वो संवैधानिक स्थिति में है। हर जीव का स्वभाव है कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना, कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना मतलब कृष्ण की सेवा के लिए आकृष्ट होना, चाहे फिर वो दास के रूप में है, चाहे वो सखा के रूप में है, चाहे वो माता के रूप में है, चाहे वो पत्नी या प्रेमिका के रूप में है, ये सब अलग अलग रस है, लेकिन उसका केंद्रीय भाव है कृष्ण सेवा। हमारे अंदर अभी समस्या है कि हमें भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। कंस जैसा आकर्षण नहीं चाहिए, कंस को एक प्रकार का आकर्षण था भय से उत्पन्न होने वाला आकर्षण, कंस बहुत भयभीत था,
कृष्ण से, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाती है क्योंकि वो कृष्ण को अपना दुश्मन समझते हुए वो आकर्षण था। लेकिन भक्ति का आकर्षण है सेवोन्मुख, कृष्ण के हम सेवक हैं ये समझते हुए जो कृष्ण के प्रति आकर्षण हो वो भक्ति के अंतर्गत आकर्षण है। तो अभी एक भक्त मुझसे प्रश्न पूछे, जिनको हम देख नहीं सकते उनकी उनके प्रति सेवा भावना कैसे बन पाए, क्योंकि संसार में हम देखते हैं जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम बातचीत कर पाते हैं, जिनको हम आदान प्रदान कर पाते हैं, उनके प्रति हमारा लगाव उत्पन्न होता है। लेकिन कृष्ण जिनके साथ हमारा आदान प्रदान नहीं होता दिखता, उनके प्रति कैसे प्रेम उत्पन्न करें, और वो भी किस प्रकार के प्रेम की बात हो रही है, इस भौतिक जगत के सर्वश्रेष्ठ प्रेम से भी कहीं 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 गुना ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त करने की बात हो रही है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि कैसे संभव होगा कि हमारा कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम हो, और उससे संबंधित फिर ये प्रश्न भी आता है कि जब तक वो नहीं होगा, ऐसा प्रेम नहीं होगा, तो फिर कृष्ण के प्रति जो हमारी सेवा है उसमें स्थिरता, उसमें गहराई कैसे आएगी। हाँ, तो आज का ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसमें ये बात के ऊपर जोर दिया गया है। यहाँ इसका संकेत नहीं किया गया है कि भक्ति में अपने स्वार्थ की तुष्टि के आस्वादन का प्रयास किया जाए, प्रत्युत उसे श्री भगवान की प्रसन्नता के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही परंपरा के प्रामाणिक गुरु के आदेश को श्रद्धापूर्वक पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के भी भीतर अपनी निजी तुष्टि के प्रति आसक्ति भौतिकवादी है, जबकि श्री भगवान की तुष्टि के प्रति आसक्ति शुद्ध आध्यात्मिक भाव है, इसे प्रेम कहते हैं। कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की वांछा, वांछा इच्छा, वांछा तो सबके अंदर है और सबके अंदर हमेशा रहेगी इच्छा, और इच्छा के साथ साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, है ना। जब हमें कोई इच्छा होती है तो उस इच्छा के साथ साथ इमोशंस भावनाएं होती हैं, दुख आता है इच्छा की पूर्ति ना होने से तो उससे विपरीत भावनाएं भी आती हैं, और जब सुख प्राप्त करने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं कुछ इच्छा से प्रेरित होकर के तो उसके साथ साथ वो भावनाएं जुड़ी हैं। तो प्रश्न ये है कि सेवा कर रहे हैं लेकिन कोई भावना तो भगवान के प्रति कोई इमोशंस कोई भावनाएं नहीं है, कई बार जड़वत या यंत्रवत हम सब सेवा कर रहे हैं ऐसा ही प्रतीत होता है, और इसलिए फिर ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी तो हम सेवा कर पाते हैं, कभी फिर लगता है कि मन अपने आप निरुत्साहित हो जाता है, क्योंकि जितना इस भौतिक जगत में जब हमें कोई इच्छा होती है तो वो तुरंत उस इच्छा के साथ हमारी भावना जुड़ी होती है और बड़े हमें प्रेरणा मिलती है उसको प्राप्त करने की, लेकिन भगवान की सेवा करने की क्योंकि इच्छा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर वो जो सेवा होती है वो भी थर्ड क्लास क्वालिटी की होती है कई बार, है ना, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। जो आज का विषय है कि हम सेवा साधना में जिम्मेदारी से कैसे करें, तो कई बार हम देखते हैं जैसे फेस्टिवल होता है किसी को सेवा दी, भाई आप ये ज़रा सर्विस कीजिएगा, तो वो पता लगा बीच में गायब हो गए, क्या हुआ भाई, प्रभु जी वो थोड़ा सा कमर दर्द हो गया था या ये हो गया था वह वो हो गया था, डिस्ट्रैक्शंस छोटी सी बात हुई चले गए, तो फिर गंभीरता नहीं है सेवा में, गंभीरता नहीं है। तो क्यों गंभीरता नहीं है, तो एक कारण तो जो पहले देखा कि इस भौतिक जगत में कहीं ना कहीं हम कुछ ढूंढ रहे हैं सुख, और दूसरा कि भगवान के प्रति अभी हमारा जो स्नेह है वो नहीं है। तो इस स्नेह को उत्पन्न करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के माध्यम से इस पूरे विज्ञान को अच्छे से समझना होगा। तो वो जो आज भक्त ने जो प्रश्न किया अभी उसके ऊपर, उससे हम ये चीज़ सब समझ सकते हैं, भगवान को यदि देख नहीं सकते तो कैसे उनसे प्रेम कर सकते, इसका सैद्धांतिक रूप से संभावना ही क्या है। जब तक हम भगवान को देखेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं करेंगे, और जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक देखेंगे नहीं, तो मुर्गी पहले कि अंडा पहले, जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक देखेंगे नहीं, और जब तक देखेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं करेंगे, तो पहले कौन सी चीज़ होगी, पहले प्रेम होगा कि पहले भगवान को देखना होगा। तो रुक्मिणी जी का उदाहरण देखते हैं हम लोग। रुक्मिणी जी ने तो भगवान को देखा नहीं, उन्होंने भगवान के विषय में केवल सुना, और उनको भगवान के विषय में सुनने से उनके प्रति
संपूर्ण प्रेम उत्पन्न हुआ। हाँ, तो कैसे ये उत्पन्न हुआ? क्योंकि भगवान वो सीमित नहीं है भौतिक परिस्थितियों से अपने को प्रस्तुत करने के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति, हर भौतिक चीज भौतिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर है कि हम उसको, कोई व्यक्ति है तो हम उसको आँखों से देखें तभी हम देख पाएंगे, एक भौतिक निकटता चाहिए अनुभव करने के लिए। लेकिन भगवान इस भौतिक परिधि के अंदर बंधे हुए नहीं हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियई सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयमेव स्फूर्ति अधा। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला, इस भौतिक जगत में जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं तो उनके गुणों को अनुभव करके उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। सही बात है ना? रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं रूप का अनुभव करके। रूप का अनुभव हम कैसे करते हैं? देख करके करते हैं। फिर अन्य जो गुण हैं, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, कोई व्यक्ति बहुत सहिष्णु है, कोई व्यक्ति बहुत दयालु है, तो ये गुण हम उसके साथ रहते हुए आदान प्रदान के माध्यम से हम ये गुण अनुभव करते हैं। और फिर इन गुणों को जब अनुभव करते हैं तब हमें दूसरे के प्रति प्रेम, हमारा संबंध जो है वो स्थापित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण, ये सभी चीज़ें, लीलाएं, ये सभी चीज़ें वो इन भौतिक इंद्रियों से तो कभी भी अनुभव नहीं की जा सकती हैं। इसलिए वो प्रश्न है कि इन भौतिक इंद्रियों से तो कभी भगवान दिखने वाले हैं नहीं, तो फिर कैसे हम गुणों को, कैसे हम रूप को, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट कैसे कर पाएंगे, कैसे अनुभव कर पाएंगे? और जब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम कैसे उमड़ेगा? अर्च विग्रह देख तो रहे हैं लेकिन हमें तो वो दिखते नहीं, हमें तो वो पत्थर ही दिखते हैं। तो फिर कैसे जिनको, जो हमें पत्थर ही दिख रहे हैं उनके प्रति प्रेम कैसे हमारा उमड़ेगा? यही प्रश्न है। तो इसलिए ये श्लोक के ऊपर चिंतन करना जरूरी है कि यद्यपि भगवान के नाम रूप गुण लीला वो इस भौतिक इंद्रियों से, इन भौतिक इंद्रियों से कभी भी नहीं ग्रहण किया सकते, लेकिन वो हमेशा उपलब्ध हैं आध्यात्मिक इंद्रियों से संपर्क के लिए। भगवान तो हम हर जगह हैं, भौतिक जगत में तो हर कोई भी व्यक्ति हर जगह नहीं है, करेक्ट, लेकिन भगवान हर समय उपस्थित हैं। विशेष रूप से भगवान कहाँ उपस्थित हैं? साधवो हृदयो मह्यम, साधु नाम हृदयम तो अहम। भगवान विशेष रूप से अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं। और भगवान जहाँ भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त गुणगान करते हैं वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ भगवान को सच्चे मन से पुकारा जाता है वहाँ भगवान रहते हैं। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, जहाँ पर भी भगवान का नाम लिया था भगवान वहाँ उपस्थित हैं। तो इसलिए कितनी महानतम बात है कि एक भौतिक व्यक्ति से बिल्कुल परे भगवान इतनी आसानी से उपलब्ध हैं। हम सोचते हैं कि भौतिक व्यक्ति आसानी से उपलब्ध है, भगवान मुश्किल है उपलब्ध होना, लेकिन वास्तव में है उल्टा, भगवान बड़ी आसानी से उपलब्ध है। इस भौतिक जगत के जो तीन गुण के नियम हैं वो भगवान को रोक नहीं सकते हैं, ना डिस्टेंस भगवान को रोक सकता है उनकी उपस्थिति, ना काल रोक सकता है। भगवान 5000 साल पूर्व यहाँ थे, अभी भी तुरंत भगवान यहाँ उपस्थित हैं। तो पहले इस विषय को हमें अच्छे से गहराई समझना पड़ेगा कि भगवान की दिव्यता है कि भगवान भौतिक गुणों से परे हैं और भगवान का नाम रूप गुण लीला सभी कुछ दिव्य है। इसका अर्थ क्या है? भगवान का नाम रूप गुण लीला, इसका अर्थ ये है कि चाहे आप भगवान का नाम हो, चाहे भगवान का रूप हो, चाहे उनके लीला का श्रवण हो या कीर्तन हो, सभी पूर्ण रूप से भगवान के समस्त गुणों को उजागर करने वाले। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ रूप गुण लीला इत्यादि भी नाम के द्वारा उपस्थित है। जहाँ भगवान की लीलाओं का श्रवण है वहाँ पर रूप गुण इत्यादि वहाँ पर भी तुरंत उपस्थित हैं। इसलिए भगवान जो हैं वो एब्सोल्यूट परम स्तर पे हैं, इसलिए ये गुण उनके अंदर है। उनकी एक भी चीज़ से उनकी समग्र रूप में उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। जैसे भौतिक जगत में पापा उदाहरण देते थे, अगर हमें प्यास लगी है तो हम
जल जो ध्वनि है उसको बोलने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि वो जो जल द्रव्य है और जो जल नाम है वो दोनों एक नहीं है। इसलिए जल 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 कहने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन भगवान की दिव्यता है कि भगवान का दिव्य नाम लेने से एक गुण के अनुसार शुद्ध रूप में भगवान का नाम लेने से तुरंत हम वहाँ भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए एक अवस्था में जब शुद्ध जगह भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान जैसे जीवा पर नृत्य करते हैं, करेक्ट। तो भगवान इतने सुलभ हैं, भगवान हम सबके लिए सुलभ हैं। कृष्ण ये बोलना तो मुश्किल नहीं है और तुरंत वहाँ भगवान उपस्थित हैं जहाँ भगवान का नाम है। ये श्रीमद् भागवतम है, हाँ कलयुग में ये भगवान का अवतार है, तो जहाँ भगवान है। अभी केवल समस्या क्या है कि सैद्धांतिक रूप से तो हम समझ रहे हैं क्योंकि उन भक्त ने फिर आए कहा, लेकिन प्रभु जी ये तो बहुत ऊंची बात है कि भगवान का को दिव्य इंद्रियों से हम देख पाते हैं, आध्यात्मिक इंद्रियों से, शुद्ध इंद्रियों से। वो शुद्ध इंद्रियां कब आएंगी हमारी? फिर वापस प्रश्न वहीं आ गया कि पहले भगवान दिखेंगे बाद में प्रेम होगा, क्योंकि शुद्ध इंद्रियां कब आएंगी? जब प्रेम होगा तब शुद्ध इंद्रियां आएंगी। तो शुद्ध इंद्रियां कब आएंगी, है ना? शुद्ध इंद्रियां, हमारी इंद्रियों की शुद्धता किस चीज़ पर निर्भर है? तो आप इतने लोग यहाँ पर जो आए हैं बैठे हैं उसमें से अधिकतर लोग काफ़ी समय से सत्संग में आ रहे हैं, काफ़ी समय से आप भगवान नाम ले रहे हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो 16 माला करते हैं प्रतिदिन? हाँ, लगभग 50-60% लोग हैं। और कितने लोग हैं जो 5 साल से कर रहे हैं ये 16 माला जब? काफ़ी लोग हैं। तो अभी कितना पैसा मिलता है आपको 16 माला करने के लिए? कष्ट मिलता है, पैसा नहीं मिलता। लेकिन सुबह सुबह उठना भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, बाह्य दृष्टि से तो लगेगा, इसलिए बाहर के लोगों के लिए बड़ा अड़पड़ आया, तुम इतना कैसे ये हर दिन 2 घंटा, आप सोचिए 2 घंटा निकालना लोगों के लिए 2 घंटा। लेकिन आप वो कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? आपको कुछ मिल नहीं रहा है उससे, बल्कि भौतिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है। वही समय के अंदर आप कुछ और करते, पैसा कमा लेते, बहुत कुछ कर सकते थे, भोग कर सकते, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं वो। तो क्या केवल एक दिन हमें कुछ मिल जाएगा, भगवान एक दिन मिल जाएंगे, बस इसी यही एकमात्र कारण है कि आप 5 साल से 16 माला कर रहे हैं, या आपको कुछ प्रेरणा मिल रही है करने की? वर्तमान समय में भी आपका कुछ अनुभव हो रहा है या केवल वो पोस्ट डेटेड चेक है, एक दिन मरने के बाद में भगवान मिलेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, तब तक केवल बस करते जाओ? ऐसा करने पर ऐसे लंबे समय तक आप वो नियम नहीं कर सकते हैं, है ना? ठीक है, कोई एक आध दिन 2 दिन कर ले, चलो परसों को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बोलो कि हाँ पूरा जीवन करते रहो, जीवन के बाद में मिलेगा, तो कैसे करेंगे आप? संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो दिव्य इंद्रियों का प्राकट्य है, ये ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत दूर की बात है। थोड़ी सी भी यदि निष्कपटता हमारे अंदर है और उस थोड़ी सी निष्कपटता से यदि हम भगवान की सेवा आरंभ करते हैं तो वहीं से ही हमारी दिव्य इंद्रियां प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल जो शुद्धतम स्तर तक पहुंच गए उन्हीं की इंद्रियां, आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हैं, बाकी सबकी लुप्त हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए भक्ति के अंदर 2 स्तर हैं, साधना और सिद्धावस्था। तो साधनावस्था के अंदर ही धीरे धीरे उन आध्यात्मिक इंद्रियों का विकास होता रहता है। पहले दिन से, पहली बार, फर्स्ट टाइम जब कोई भक्ति, कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर एक निष्कपट भावना, उसने उसे अप्रिशिएट किया, उसने सराहा कि हाँ बड़ा अच्छा है, भगवान है, भक्त अच्छे हैं, तो वहाँ से उसका आरंभ हो गया है, उसकी दिव्य इंद्रियों का प्रकट होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट शुरू हो गया। जैसे बच्चे का माँ के गर्भ के अंदर विकास शुरू हो जाता है, फिर 10 महीने तक चलता है, तो उसी प्रकार से जहाँ हमें भक्तों के संग में पहली बार हमने एक थोड़ी सी भी निष्कपटता से इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ ये सही बात है, ये अच्छी बात है, वहाँ से आपकी दिव्य इंद्रियों का प्रकट होना शुरू हो गया। इसलिए फिर उत्तरोत्तर जैसे जैसे आप भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा उसके प्रति एक
स्वाद उत्पन्न होता है जो प्रेरणादायक है हम सबका ये सब करने के लिए। ये बिना प्रेरणा के नहीं हो रहा है, लेकिन वो धीरे 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 होता है। इसलिए हमको ऐसा कभी कभी लग सकता है कि पता नहीं हमारे कुछ प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। हम लोग उसको सहज लेते हैं, टिकट फॉर ग्रांटेड, कि ये तो बस, या ऐसा लगता है ये तो सब मेरी कारण हो रहा है, जब तो मैं कर रहा हूँ सोलेमाल तो मैं कर रहा हूँ, भगवान ने अभी तक क्या किया, उन्होंने क्या मुझे दिया, ये तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारा ऐसा विचार है तो फिर भगवान हमें दिखाएंगे कि ये सोलेमाला कौन करा रहा है ना। हम एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं वास्तव में उनकी कृपा के बिना, क्योंकि क्यों लेंगे, जिसमें कोई हमें कोई अर्थ नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसका कोई क्यों लेंगे हम वो भगवान का नाम। तो वास्तव में इस प्रकार से नियमित रूप से भगवान की सेवा कर पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये दिखा रहा है कि हमें भगवान आकर्षित कर रहे हैं। और जो जितना अधिक हृदय से भगवान को पुकारेगा, हृदय से भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, उतनी ही अनुपात में भगवान उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा तो कुछ संबंध स्थापित होता दिख नहीं रहा है, अभी भी एक यांत्रिक तरीके से मेरा जीवन चल रहा है, बस मैं सोलेमाला इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे करना है, नियम है, लेकिन अभी भी मैं उस स्टेज से आगे नहीं निकल पा रहा हूँ, उस स्तर से आगे नहीं निकल पा रहा हूँ कि मुझे स्वयं एक अनुभूति, एक भगवान के प्रति एक हृदय में भावनाएं उत्पन्न हो, उनकी सेवा करने की स्वतः इच्छा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ समझ में या आपकी क्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। यदि आपको थोड़ा सा भी सेवा करने का या आकर्षण भगवान के प्रति उत्पन्न नहीं हो रहा है काफ़ी समय तक, साल महीना साल के बाद भी यदि ऐसा हो रहा है, तो आपको पुनर्अवलोकन करने की आवश्यकता है। क्या आपकी समझ सही है, क्या आप हर चीज़ को सही प्रकार से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भगवान की जो भक्ति सेवा जो हम करते हैं अंग, उनको भी किस समझ से या किस भावना से करना है। भगवान के साथ हमारा ये संबंध स्थापित हो इस प्रार्थना के साथ, भगवान से इस प्रार्थना के साथ, इस इच्छा और इस प्रार्थना के साथ हमें उन सेवाओं करना है। नहीं तो संभव है कि हम सेवाएं करेंगे बाह्य रूप से, सेवाएं मतलब क्रियाएं तो होंगी, लेकिन अगर वो हमारी साथ साथ मन के अंदर जो विचार हैं, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो मन के अंदर होती हैं, तो विचारों से वो आती हैं, यदि वो साथ साथ में नहीं है तो फिर हमारी प्रगति बहुत धीरे होगी, होगी तो फिर भी प्रगति, लेकिन बहुत धीरे होगी फिर। तो इसलिए हमें, इसलिए ये है कृष्ण भावनामृतांदोलन, भावना के साथ करना है, जब हृदय से करना है, जब केवल मुंह से नहीं करना है। एक बार श्री प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जब के समय में मन कहाँ रहना चाहिए, तो श्री प्रभुपाद मन बीच में कहाँ से आया, आपको सुनना है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रभुपाद यहाँ जो कह रहे हैं सुनना है, तो सुनने में भी मन चाहिए ना। जैसे अभी पीछे कुछ आवाज़, बहुत कुछ चल रही है आवाज़, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं है तो हमें सुनाई नहीं देगा, और हो सकता है बहुत से भक्तों को वही सुनाई दे रहा हो, ये सुनाई नहीं दे रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी को भी है कि पता नहीं आज क्या बनने वाला है प्रसाद में, तो डिपेंड करता है आपका ध्यान कहाँ है, तो ध्यान के अनुसार हम सुनते हैं, है ना। तो मन, प्रभुपाद बोले मन को सुनने में लगाओ, और मन को सुनने में लगाओ वो भी एक यांत्रिक नहीं है, क्यों सुनने में लगाएं। इसलिए श्री प्रभुपाद जब कोई भक्त, कोई व्यक्ति आते थे तो उनको सबसे पहले नहीं बोलते थे बस केवल आप बस जप करो, सोलेमाला करो, नहीं, सबसे पहले आप कौन हो, कृष्ण कौन है, जप क्यों करना है, हरि नाम क्यों लेना है। तो ये सब विषय को सुनना, और एक बार नहीं बार बार सुनना, समझना, इससे फिर हृदय से हम जप कर पाएंगे, हृदय से हम हर कुछ सेवा कर पाएंगे। लेकिन ये हमारे को कॉन्शियसली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पूर्व अभ्यास है वो क्या है, हर चीज़ को अपने कहीं ना कहीं इंद्रिय भोग के भावना से करना, वो हमारा पूर्व अभ्यास है और वो बहुत गहरा है। इसलिए सेवा करना भावना से सोच समझ के शुरू करते हैं, लेकिन पता नहीं बीच में कब भावना बदल जाती है। जैसे कई बार होता है भगवान के लिए हमने भोग बनाया, जब खाया प्रसाद नमक तो डाला ही नहीं, अभी हम भावुक क्या कहते हैं, विदुर की तरह तो भावुक नहीं हुए होंगे कि भगवान को, कृष्ण को छिलके दे दिए और केला बीच में छोड़ दिया, ऐसा तो हमारी स्थिति नहीं होगी, करेक्ट। तो नमक नहीं डाला मतलब
एब्सेंट माइंडेडनेस, क्योंकि वहाँ बनाते बनाते हमारी पूरी चेतना कि ये मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, ये कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, कृष्ण इसको स्वीकार करेंगे क्या, कृष्ण कृपया आप इसको स्वीकार कीजिएगा, क्या सतत रूप से ये चिंतन रहा, इसलिए नमक नहीं डला, सर जल गई, कुछ हो गया है ना। या कई बार हम भोग लगाते हैं, कई बार भोग लगा करके भूल जाते हैं रखे रखी, या आधा चीज लगाया आधा नहीं लगाया, ये क्या दिखाता है कि हम क्रिया तो शुरू किए भगवान को प्रसन्न करने के, लेकिन क्रिया हो गई लेकिन उसका दिमाग साथ में, मन विचार वो सब साथ में नहीं चला, क्रिया रह गई और मन कहीं और भाग गया। तो इसलिए ऐसा करने पे फिर हमें क्या प्रतीत होगा, ऐसा रहेगा क्रिया हुई लेकिन उससे हमारे प्रगति नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होगा। अरे इतनी सेवा की, जन्माष्टमी में इतना मेहनत की, इतना मेहनत की, लेकिन फिर ऐसा लगता है कभी कभी कि इतना सब किया, सेवा किया, लेकिन बाद में फिर लगता है क्या किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेवा करने में वो साथ साथ में भावनाएं भी साथ साथ में नहीं रहे, तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा एकदम से नहीं होगा, इसके लिए अभ्यास करना, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारी जो मन है वो अभ्यस्त है हर चीज़ में अपना सुख ढूंढ लेने के लिए। अभी जो लोग 3 साल 4 साल 5 साल से भक्ति में आ गए हैं, तो अभी उनका जो मन जाएगा वो कहीं ना कहीं भक्ति की क्रियाओं में ही जाएगा, वो कहीं किसी सिनेमा के सॉन्ग में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ भक्ति की क्रियाओं में ही जाएगा, लेकिन वो क्रियाओं में वो भी डिस्ट्रैक्शन की तरह से जाएगा, वहाँ पर वो जो क्रिया चल रही है इस समय सेवा की उसमें मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ वो ना सोच करके, ऐसे ही बस मन का एक विचलन की तरह से, अभी ये सोच लो, अभी ये सोच लो, अभी ये सोच लो, इस तरह से जाएगा। या कोई भी सेवा कर रहे हैं उसको करने में पीछे से हमारी बैकग्राउंड में हमारे मन के अंदर चल रहा है कि इसमें मेरा सुख कहाँ है, मेरा सुख कहाँ है, अपने सुख की भावना से सेवा करना, कृष्ण के सुख की भावना से सेवा करने की जगह अपने सुख की भावना से सेवा करना। जैसे उदाहरण लें, कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है, मेरा स्वर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी आवाज़ निकल रही है, कितना मधुर है, सब लोग भी कितने आनंदित हो रहे होंगे, कितने अप्रिशिएट कर रहे होंगे, है ना। हर चीज़ में ऐसा हो सकता है, प्रवचन देने में ऐसा हो सकता है, अभी देखो सब लोग कितना वाह वाह कर रहे होंगे, ऐसे हर चीज़ में। तो ये हमारा पूर्व अभ्यास की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अभ्यस्त हैं हमेशा अपने 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 विषय में सोचने के लिए, अपने इंद्रिय भोग में, कि हम भगवान की हर सेवा को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, हर चीज़ में अपना ही सुख ढूंढ लेते हैं उसमें, तो इसकी वजह से फिर हमारी प्रगति बहुत धीरे होती है। इसलिए इसके लिए अभ्यास करना होगा, और इस अभ्यास के लिए जब भी हम सेवा करें तो सावधानी से सेवा करना है, हर चीज़ सावधानी से करनी है। सावधानी का अर्थ क्या है कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं। सावधानी के दो स्तर हैं, एक तो क्रिया ढंग से हो, और दूसरी सावधानी क्या कि क्रिया किस लिए मैं कर रहा हूँ, ये कृष्ण का चिंतन, कृष्ण 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 कृपया आप स्वीकार कीजिएगा। जैसे अभी हम नैवेद्य भगवान के सामने रखें, तो अगर आपके अंदर ही साथ साथ मन के अंदर ये विचार नहीं है कि कृष्ण कृपया आप इसको स्वीकार कीजिएगा, तो फिर कृष्णा उतना स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपने केवल प्लेट रख दिया कि बस, और फिर मन में कभी विचार नहीं किया कि कृष्णा इसको कृपया स्वीकार कीजिएगा, है ना। जैसे वो कथा है ना, चैतन्य चैतान में क्या नाम था, है नहीं नहीं छोटा बालक वो नहीं नहीं के लिए इधर अलारनाथ में अलग है, वहाँ तो भगवान ने वो पुजारियों को मार दिया था क्योंकि उन्होंने सही भावना से नहीं किया था। रामचंद्र तो उनके पुत्र थे, छोटा सा बालक था, तो उन्होंने एक दिन जो है वो चले गए कहीं बाहर, तो उन्होंने बच्चे को बोला, बेटे आज तुम भगवान को भोग अर्पित कर देना, मैं जरा जा रहा हूँ। तो बच्चे ने जो है ठीक है, पिताजी को उसने देखा था पिताजी कैसे भोग अर्पित करते हैं, तो माँ ने बनाया और उसने जो है भोग को भगवान के सामने रखा और वो बैठ गया कि भगवान खाइए। तो अरे आप खा क्यों नहीं रहे, खाइए, पिताजी ने बोला आपको खिलाने के लिए, आप खा क्यों नहीं रहे। तो भगवान वहाँ पर आए और भगवान ने खाया, और फिर पिताजी वापस आए तो पिताजी ने बोला, बेटे ठीक है अभी प्रसाद लेके आओ। तो बोले प्रसाद तो आज नहीं, बात सब गोपाल जी ने सब खा लिया। तो पिताजी ने लगा ये लगता है इसने कुछ खा लिया होगा, भूख लगी होगी इसको। तो बोले चलो ठीक है,
तो दोबारा से बनाया, बोले अभी दोबारा इसको लगाओ। एक और दिन ऐसा हुआ, बोले एक और तुम लगाओ, तो दोबारा भी ऐसे हुआ, फिर से नहीं बचा। तो उन्हें लगा कि लगता है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये खुद खा लेता है, क्या हो रहा है, कुछ सही में नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने एक बार कहा ठीक है अभी तुम लगाओ, मैं बोला नहीं लगाओ तुम, और फिर पीछे से छुप के देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि भगवान वास्तव में आए और खा रहे हैं भगवान। तो उन्हें बोला ये तो मुझसे बड़ा भक्त है मेरा बेटा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान तो वास्तव में ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से भी खाना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में खिलाना चाहेंगे, करेक्ट। लेकिन हम इतना खिलाना नहीं चाहते, हम तो खुद खाना चाहते हैं। हम तो टाइम देखते हैं। ये हमारी समस्या है। तो इसलिए हर सेवा में ये भावना को हमें ध्यान करके लाना पड़ेगा, विचारों को। स्वाभाविक नहीं आएगा, वो बच्चे की स्वाभाविकता से उसके अंदर ऐसी भावना थी। हमारे अंदर स्वाभाविक नहीं है, हमारे अंदर दूसरी चीज़ अस्वाभाविक है, अपने ही विषय में हमेशा सोचना, अपने ही सुख के बारे में सोचना। इसलिए हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारा जो है, इसलिए विधि विधान के अनुसार, तो ये जो पूरा सुबह में जप करना, ये सब विधि विधान है। लेकिन विधि विधान का जो एसेंस है, जो उसका सार है, वो है कि किस चेतना से, किस हेतु से हम ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। तो केवल क्रियाओं को नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बस केवल जब हम प्रवचन सुन रहे हैं तभी ये विचार करना है, बाद में फिर विचार बंद करके बस केवल क्रिया करना है, नहीं। ये हम जो सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं जिससे कि फिर वो क्रियाओं को करते हुए जो हमने सुना है उसको ध्यान में रखते हुए हम वो क्रियाएं करें। इसके लिए हम ये सुनते हैं, इसलिए सुनने का महत्व है। कंटेम्पलेशन, इसलिए शास्त्रों को समझने में तीन स्तर होते हैं, श्रवणम, उसके बाद मनन, और उसके बाद निधिध्यासन। तो मनन जो है कंटेम्पलेशन, जो भी हम सुन रहे हैं उसको बार बार सुनना, बार 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 सुनना, उस पर चिंतन करना, केवल सुनना ही नहीं, उस पर चिंतन करना, मनन करना, और फिर उसको अपने जीवन में अपनाना। तो इस तरह से फिर ये आपका जो श्रवण है वो कारगर होगा। अगर आप इसको कहीं ना कहीं एक गलत समझ रहे हैं कि बस सुनना एक क्रिया है, सुन लिया, अभी बस क्रिया केवल एक क्रिया है, बस हाथ हिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। हाथ हिलने चाहिए और साथ साथ मन में विचार भी आना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते। इसलिए यहाँ पर भी ये बात आया, कुरियात सर्वाणी कर्माणी मदर्थम शनकई स्मरण, मेरा स्मरण करते करते। मई अर्पित मनश्चित्तो, अपने मन और चित्त को भगवान को अर्पित करो। इंद्रियों को तो अर्पित करना आसान है, हाथ पैर चलाना फिर भी आसान है, वो भी इतना आसान नहीं है। भगवान के लिए झाड़ू लगाना इतना आसान नहीं है, कौन लोग तैयार हैं भगवान के झाड़ू लगाने के लिए, बहुत कम लोग हैं, है ना। लेकिन फिर भी भगवान के लिए झाड़ू लगाना आसान है, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते कि भगवान कृपया आप इसको स्वीकार कीजिएगा, ऐसी हृदय की उत्कंठा से इसको लगाना, झाड़ू को लगाना, वो और आगे की बात है, और मुश्किल। लेकिन वो मुश्किल नहीं है, लेकिन अभ्यास करना होगा, सचेत रहना होगा। और ये सब चीज़ों के लिए हमें मदद करता है ये ऐसे साधु संग में बार 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 श्रवण करना, मनन करना, और असत संग छोड़ना। ये सब का धीरे धीरे परिणाम ये होता है। तो एक हमें क्रियाएं दी हुई हैं सब शास्त्रों में, इतना सब, ये सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंतरित कर्ण रसायना कथा, ये सब बताया गया है, सब क्रियाएं तो दी हुई हैं। लेकिन आप अगर ऐसा सोचेंगे कि बस ये क्रियाएं अगर मैं कर लूँगा तो अपने आप से मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो ये उस तरह से भी ऑटोमेटिक नहीं है, यंत्रवत नहीं है। आपको अपने को, मन, विशेष रूप से मन को, चित्त को आपको उस क्रिया में लगाना होगा। इसे कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। तो क्रियाओं के साथ साथ मन को लगाना, और जब मन लगेगा तो क्रियाएं अपने आप, हाथ पैर तो चलेंगे ही, फिर सब इंद्रियां लगेंगी। तो इसलिए मन को लगाना ही मुश्किल है। मन को लगाने का अर्थ मतलब केवल इंद्रियों की क्रियाओं में, झाड़ू अच्छे से लगे वो तो लगाना ही है, पहले मन उतना तो लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सीधा बस भगवान आप सुन तो रहे ना मेरे को, पता लगा झाड़ू लगी नहीं, और केवल आप मन में बस भगवान, तो वो नहीं चलेगा। सस्ती भावना नहीं चलेगी, करेक्ट। इसलिए भगवान दोनों चीज़ चाह रहे हैं, आपकी क्रियाएं भी चाह रहे हैं और मन बुद्धि भी चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो क्रियाएं जो भी हम कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, तो जब भावना से, पूरे हृदय से कीजिए। जब कोई ऐसा नहीं कि अभी एक हमने नियम बस लिया है, नियम तो लिया ही है, नियम भी महत्वपूर्ण है,
ऐसा नहीं है कि फिर नियम मत करो बस, हम एक माला करते हैं पर पूरी भावना से करते हैं, तो ना तो कोई भावना आएगी क्योंकि वो गणना भी महत्वपूर्ण है, एक समय लगाना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम केवल समय, बस एक समय ही है, बस दो घंटा कैसे ना कैसे निकाल देना है तो भी काम नहीं चलेगा, कैसे ना कैसे 16 माला खत्म कर देना उससे भी काम नहीं चलेगा। 16 माला करना है और साथ साथ क्या अभ्यास करना है, पूरे हृदय से भगवान को पुकारते हुए करें। और क्या पुकारना है ये पता होना चाहिए, क्या पुकारना है? नहीं नहीं, ये तो आप अभ्यास हो गया। इसका मतलब क्या है हरे कृष्ण का, ये मतलब को ध्यान में रखते हुए पुकारना है ना। हाँ, भगवान मुझे सेवा में लगाइए, ये बोलना आसान है, हृदय से इसको सेवा में लगाइए। आप सोचिए, बच्चे हैं आप सबके ना, आपका बच्चा आज तक, या आपके अपने जीवन में जब आप बच्चे थे, आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार 2 घंटे रोए? आपका बच्चा कभी लगातार 2 घंटा एक ही चीज को मांगता रहा, प्रार्थना में अविरत 2 घंटा किया कभी किसी ने? नहीं किया। और हमें हर रोज करना है ऐसा, करेक्ट? तो आप सोचिए, अगर आपको 2 घंटा हर रोज, 2 घंटा तो कम से कम है, 24 घंटे ऐसा करना है, पर 2 घंटा तो स्टार्टिंग है, 2 घंटा हर रोज आपको किसी चीज के लिए प्रार्थना करनी है, करेक्ट? तो वो कब संभव होगा? जो चीज आप, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो विषय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हर रोज आप उसको प्राप्त करने के लिए 2 घंटा पुकारेंगे, इसलिए नींद आती है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण तो लगता नहीं। हरे कृष्णा, एक बार तो बोल दिया भगवान सेवा दे दो, अभी और क्या बाबा बोलने का, और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने की हैं। माइंड बोलता रहे बोल दिया ना एक बार, अभी और करो कुछ, करेक्ट? तो इसलिए आप सोचिए, बड़ी बात है। इसलिए हम ऐसा नहीं कि 16 माला, इसलिए कोई भी आए बस 16 माला शुरू कर दो, इतना आसान नहीं है 16 माला। फिर वो ऐसे ही, वो जनरली लोग क्या होते हैं भारत में, सब कर्मकांडी विचारधारा से आते हैं ना, ये व्रत करो, इतने दंडवत करो, ये करो, आपको ये फल मिल जाएगा। तो ऐसे हम सोचते हैं बस ये 16 माला कैसे कैसे ना करने से ये मिल जाएगा, तो वो उस धारणा से नहीं, बल्कि ये अच्छे से समझ करके, जब समझेंगे तभी हृदय से कर पाएंगे, है ना। तो आप इस पर विचार कीजिए, इसलिए बार बार अच्छे सुनना है कि क्यों इतना ज़रूरी है कि मेरा कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना मेरा कितना ज़रूरी है। वो तभी होगा जब इस भौतिक जगत का हर चीज़ हमें शून्य दिखाई देगी, बेकार है, यूजलेस। जब तक इस जगत के अंदर कोई भी चीज़ हमें कुछ उसके अर्थपूर्ण दिखाई दे रही है, तब तक आप क्यों 2 घंटा प्रार्थना करेंगे कृष्ण के लिए? नहीं करेंगे। इसलिए फिर ये प्रश्न आएगा कि यंत्रवत, हाँ भगवान के सामने हम आ तो गए लेकिन वो पत्थर ही दिखाई देंगे, क्योंकि उसका इतना हमें अभी महत्व नहीं समझ में आया है। इसके लिए ये पूरी विधि है श्रवण की, और फिर श्रवण के अंदर भी विधि है, श्रवण कैसे करना है, श्रवण भी आप करते रह सकते हैं, हर रोज आ रहे हैं, 10 साल से हम तो श्रवण कर रहे हैं, पूरी भगवद्गीता 10 बार पढ़ ली, अगेन वो क्रिया हो सकती है, सब श्लोक याद है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरे श्लोक याद है, मायावादी लोग हैं जिनको सब श्लोक याद है, लेकिन उनके अंदर भगवान के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया किस लिए पढ़ा? आप भगवद्गीता याद कर सकते हैं किस लिए? मुझे भगवद्गीता याद करना है क्योंकि मुझे चैंपियनशिप में नंबर 1 आना है, गीता चैंपियनशिप में, इसके लिए भी आप भगवद्गीता को याद कर सकते हैं, करेक्ट? तो आपने 700 श्लोक याद कर लिए, लेकिन आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, बल्कि और कृष्ण से आप वहीं कहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपका हेतु क्या था? मुझे कुछ बदले में लेना था। तो आप पढ़ करके भी नहीं पढ़े, सुन करके भी नहीं सुने, इसलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पीछे की जो समझ है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उससे वो जो क्रिया है वो अर्थपूर्ण बनती है, वो क्रिया की जान है, जैसे शरीर है और आत्मा है, अगर आत्मा नहीं है शरीर है तो व्यर्थ है, उसका कार्य नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार से क्रिया के साथ साथ जो उसकी भावना है, क्रिया को करने के पीछे का हेतु, समझ, भावना, वो उस क्रिया को फंक्शनल, उसका अर्थपूर्ण बनाती है, उससे उसका पूरा फल हमको प्राप्त होता है। भगवान की क्रियाएं ऐसा नहीं है कि अगर पूरी भावना से नहीं किया जाए तो वो व्यर्थ हो रही है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही क्रियाएं ऐसी हैं, लेकिन भगवान की सेवा ऐसी भी नहीं है। अगर हम साधक अवस्था में हर समय
पूरी तरह से कृष्ण चेतना पूरी तरह से हृदय से भगवान को नहीं पुकार पा रहे हैं तो भी वो क्रिया व्यर्थ नहीं जा रही है, उसका भी फायदा तो हो रहा है, लेकिन कम से कम हमारा प्रयास होना चाहिए। यदि हमने इस तरह से सोच लिया है कि मन को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्रिया बोलना है, तो फिर बहुत धीरे धीरे प्रगति होगी। तो प्रयास तो हमारा होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये इतना बड़ा न्योता है, इतना बड़ा अवसर है कि आप कृष्ण के साथ इतना घनिष्ठ संबंध इसी जीवन में अभी तुरंत जल्दी स्थापित कर सकते हैं जितना आपको इस जगत में किसी के साथ नहीं होगा, कभी संभावना नहीं है। हम सोचते हैं अरे भौतिक जगत में तो हमारा संबंध आसानी से बन जाता है, इतना प्रगाढ़ हमारे माता पिता के साथ हमारा कितना गहरा संबंध होता है, बच्चों के साथ कितना गहरा संबंध होता है, तो हमें शंका हो सकती है क्या भगवान के साथ भी इतना गहरा संबंध होगा। अरे ये भौतिक जगत का संबंध तो कुछ नहीं है। तो आप देखिए शास्त्र में ऐसे लोगों का उदाहरण भरत, भरत भगवान के प्रति उनका प्रेम का क्या अद्वितीय प्रेम है। उनको जो है साम्राज्य मिल गया, सब तैयार है, ले लो आप, है ना, कोई रुचि नहीं है उसमें। और भगवान श्री राम के पास गए और भगवान ने बोला ठीक है, तैयार नहीं हुए कि मैं राज्य, मैं राज्य तो मैं कभी नहीं कर सकता, मैं आपके बिना कैसे जी सकता। और अयोध्या के बाहर बैठे रहे और वही जो तपस्या भगवान राम, उससे भी कहीं अधिक कठिन तपस्या, इधर तपस्या मतलब कैसे तपस्या करनी है, उनके हृदय में भगवान के बिना वो स्वाभाविक रूप से वो कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, है ना। ऐसे ही हम देखते हैं ब्रजवासी, जब भगवान श्री कृष्ण है तो ऐसे उनके प्राण ही नहीं है, करेक्ट। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम तो इस जगत में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। वास्तव में इस जगत में तो प्रेम है ही नहीं, वहाँ तो हर जगह स्वार्थी है, लेकिन बाह्य रूप से भी वो नहीं देखने को मिल सकता। तो इसलिए ऐसा ये परम अवसर हमें उपलब्ध है और वही वास्तव में हमारा जीवन है, वही वास्तव में हमारी आत्मा की संपूर्ण संतुष्टि है। तो इसके लिए क्यों नहीं हम ललायत हों, क्यों हम ये इस भौतिक जगत के ये तथाकथित छोटे छोटे ये विष, वास्तव में जो विष है, ऐसे सुखों के पीछे कब तक हम ललायत रहेंगे। तो कम से कम उसको समझना चाहिए और उसके लिए तैयार होना चाहिए कि इन सबसे हमें सुखों, तथाकथित ये विष सुखों से हमें बाहर निकलना है और जो वास्तविक हमारा स्वाभाविक स्थिति है संवैधानिक, भगवान के प्रति हमें पागल होना है, भगवान के लिए पागल, भगवान की सेवा के लिए आतुर होना है। तो ऐसी प्रार्थना के साथ में सब चीज़ों को समझते हुए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। अभी यदि किसी का प्रश्न है इस विषय में तो हम चर्चा कर सकते हैं उसके। यस महाप्रभु, एक माइक तो मैं रखू जी, कॉर्डलेस, आप आगे आइए। हाँ बोलिए। भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कर्तव्य है। सबसे पहले तो कर्तव्य तो समझें ये कि हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य समझना गलत नहीं है, ये कर्तव्य तो है ही क्योंकि हम भगवान के दास हैं, ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य की भावना से करना गलत नहीं बल्कि वो जरूरी है। उस कर्तव्य के अंदर ही निहित है, कर्तव्य का ये भाग है अंदर अंदर जा करके कि केवल कर्तव्य नहीं है बल्कि स्वाभाविक रूप से कृष्ण परम प्रेम पात्र हैं। तो ये उसके आगे की स्थिति है कि केवल कर्तव्य भावना नहीं बल्कि प्रेम कृष्ण से, कृष्ण की सेवा करने के लिए हम स्वाभाविक रूप से आकृष्ट हो, वो प्रेम कहलाता है। लेकिन पहले कर्तव्य आएगा फिर प्रेम आएगा, बिना कर्तव्य के प्रेम नहीं आएगा। लेकिन जो भौतिकवाद में हम पहले से थे हम उसमें भी पहले प्रयास कर रहे थे, अब एक स्टैग्नेंट पोजीशन आ जाती है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम खूब किस साइड जा रहे हैं, अध्यात्म में ज्यादा आगे बढ़ना है कि भौतिक। अगर मैं भौतिकवाद ही छोड़ता हूँ तो अध्यात्म में तो बढ़ जाऊंगा लेकिन भौतिकवाद में स्टैग्नेंसी आ जाएगी।
उसका कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि पुरुषार्थ से कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसको कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं? तो प्रश्न ये है कि भक्ति करते करते धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कि निर्णय लेना पड़ता है कि किस दिशा में जाना है, क्योंकि अगर भौतिकवाद को छोड़ दूंगा तो आध्यात्मिक प्रगति होगी लेकिन फिर भौतिकवाद छूट जाएगा, भौतिक स्थिति छूट जाएगी मेरी, तो उस समय में कैसे हम डिसाइड करें, हमें कैसे उसमें फिर आगे चढ़ें हम लोग? पुरुषार्थ छूट जाएगा, इस भौतिक जगत के जो हमारे कर्तव्य हैं वो फिर कैसे कर पाएंगे, यही प्रश्न है ना, कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक स्थिति आएगी अगर बढ़ना है तो फिर ये भौतिक कार्यकलाप व्यर्थ रहेंगे। नहीं, ये हमारी गलत समझ है। कृष्णार्थ अखिल चेष्टम मदर्थे धर्म कामार्थन, आपका पुरुषार्थ क्या है, आपके कर्तव्य क्या है? आप सोच रहे हैं मेरे दो कर्तव्य हैं, एक कृष्ण की सेवा करना और एक परिवार पालना, यह आपकी गलत समझ है। आपका केवल एक ही कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा करना। अरे क्या कह रहे हैं, मैं गृहस्थ हूं भाई, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। जो आपका परिवार है वो आपका नहीं है, वो कृष्ण का है, वो कृष्ण की सेवा के लिए ही आपको आपने वो परिवार बनाया है। अन्य इस जगत में और कोई भौतिक कार्य का हेतु नहीं है, यदि वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है तो क्या हेतु है? भौतिक जगत में बने रहना तो कोई हेतु है नहीं, क्योंकि ये तो नश्वर है। तो इसलिए दो अलग अलग चीज़ नहीं है कि एक भौतिक है और एक आध्यात्मिक है। वास्तविकता है कि केवल आध्यात्मिक है, हर चीज़ केवल कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण की सेवा के निमित्त ही हर चीज़ है। इस जगत का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना ही है, क्योंकि हर चीज़ कृष्ण की है, हम भी कृष्ण के हैं, तो हमारा और कोई कर्तव्य है ही नहीं, किसी का कोई कर्तव्य नहीं। संसार में हर जीव का एक ही कर्तव्य है, कृष्ण को संतुष्ट करना। तो फिर द्वंद्व आया कहां से? ये शरीर तो कृष्ण की सेवा के लिए है, इसलिए इस शरीर को मेंटेन करना कृष्ण की सेवा करने के लिए, क्योंकि इस शरीर की आवश्यकता है, इसलिए हम इस शरीर को मेंटेन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, यूजलेस है उस शरीर को मेंटेन करना। तो अगर इस समस्या में शरीर को मेंटेन कर रहे हैं तो फिर वो कैसे आपको कृष्ण से अलग ले जाएगा? अगर आपके पास एक व्हीकल है, आपने उस व्हीकल को खरीदा है जॉब पे जाने के लिए, अगर आप उस चेतना से उस व्हीकल को मेंटेन कर रहे हैं तो वो आपके जॉब में जो आपका जो हेतु है उसमें बाधक बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से यदि आप इस संसार में जिएंगे, कृष्णेर संसार कर, कृष्ण के लिए जीना है, कृष्ण के लिए परिवार, और अगर जो चीज़ भौतिक कृष्ण के द्वारा निर्दिष्ट नहीं उसे नहीं करना है, जो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करती उसे नहीं करना है, शराब पीना है या कुछ और भौतिक कुछ काम करना है, बस पैसा कमाना है मजा करने के लिए, वो कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर, सब नहीं करेंगे। लेकिन जो पैसा जरूरी है शरीर की मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ये शरीर से हम भगवान की सेवा करेंगे इसलिए वो पैसा कमाएंगे, तो इस चेतना को जब इस चेतना में रहते जब हम पैसा कमाएंगे तो फिर वो कृष्ण विस्मृति नहीं होगी। तो इसलिए हर कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही होना चाहिए, और अगर वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए आवश्यक नहीं तो नहीं करना चाहिए, या बाधक है तो नहीं करना चाहिए। इसलिए अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। इस जगत में जब हम जीते हैं तो एक भक्त को भौतिक चीज़ें वो उतनी जितनी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हैं उतना लेना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना चाहिए। यदि ये चेतना में हम रहेंगे तो फिर आपका ये जो डाइकोटॉमी है कि दोनों में से एक लेना पड़े वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल को स्वीकार करना है, प्रतिकूल को छोड़ना है। भौतिक जगत की चीज़ों भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूल छोड़ना है, तो फिर वो दो आपको अलग अलग खींचेंगे नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, भौतिक आध्यात्मिक का समन्वय हो जाएगा। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। इंडिकेशन प्रॉपरली नहीं मिलता ना कि ये मतलब उस चीज़ के लिए पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना है, चाहे मैं भौतिक बात में चाहे ठीक है आध्यात्मिक बात में तो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन भौतिक बात में कि इसलिए मान लेते हैं प्रमोशन के लिए या किसी और आगे जॉब आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आदमी आइडेंटिफाई कैसे कर पाता है कि इंडिकेशन क्या है? इसलिए भक्ति जो है वो गुरु के मार्गदर्शन में होती है, और गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के माध्यम में तो उनकी समझ हमसे ज़्यादा क्लियर है कि भगवान क्या चाहते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे हम उनके मार्गदर्शन भाग लें उनसे। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं क्लियर कट इंडिकेशन कि मेरे लिए इस समय ये अगर हम नहीं निर्णय ले पा रहे हैं तो फिर हमें भक्तों की मदद लेनी चाहिए कि ये क्या मेरे लिए ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा या नहीं करेगा, क्या ये मेरे लिए भक्ति में आवश्यक है या नहीं है। और एक जनरल प्रिंसिपल तो धीरे धीरे थोड़ा समय में हमें भी समझ में आना चाहिए, भक्ति के लिए अनुकूल है कि नहीं है, क्या ये मेरी सेवा के लिए ज़रूरी है या मेरे इंद्रिय भोग के लिए ज़रूरी है, तो ये विचार हम स्वयं करें। और
उसके साथ साथ फिर शास्त्र का विचार भी हो, कई चीज़ें गहन होती हैं, वो केवल मेरे इंद्रिय भोग के लिए है कि नहीं है उस तक नहीं होती हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, इसलिए हमें शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, भगवान का आदेश क्या है। तो जितना अधिक हम उसको समझेंगे तो हम वो निर्णय ले पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। और यदि कभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए फिर हमारे गुरु महाराज होने चाहिए, वरिष्ठ भक्त होने चाहिए जिनका मार्गदर्शन है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि गुरु महाराज से आपने लिया, गुरु महाराज तो ग्रस्त है नहीं, उनको एक्सपीरियंस तो है नहीं, गुरु महाराज का एक्सपीरियंस ग्रस्त। तो गुरु महाराज के जो वरिष्ठ गृहस्थ शिष्य हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो विशेष रूप से गृहस्थों से बिल्कुल संबंधित है तो उनसे हम पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी जो है वो जनरल सेंस में नियम की तरह से वो उन चीज़ों को ना समझ पाए, क्योंकि वास्तव में सन्यासी जो है वो सभी आश्रमों वर्णों का गुरु होता है। ऑफ़ कोर्स अगर आप गुरु से पूछें, गुरु अभी मुझे ये कंपनी ज्वाइन करूँ कि ये कंपनी ज्वाइन करूँ, तो लेकिन वो उसका एसेंस बता सकते हैं, जिस कंपनी में आपको भगवान की सेवा करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले उसको आप ज्वाइन करो, या दोनों को ही मत ज्वाइन करो। जी माता जी का प्रश्न। हाँ, किसको बढ़ावा देता है? अहंकार को बढ़ावा देता है। कैसे समझें? अगर कोई भक्त दूसरे भक्त के अहंकार को बढ़ा देता है, मेरा मतलब मैं समझ रहा हूँ आपको कि वो उसकी प्रशंसा करता है अनावश्यक, उसको मिथ्या प्रशंसा करता है, यही कह रहे हैं आप अहंकार को बढ़ावा देने का मतलब? और अगर दूसरा व्यक्ति इससे अहंकार उसका बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वो दूसरे का अपमान करता है, परेशान करता है दूसरे भक्त को, तो फिर इसको कैसे समझना, यही प्रश्न है आपका? तो समझ यही है कि दोनों ही गलत हैं, ना तो हमें कभी किसी को मिथ्या अहंकार को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति भक्ति में प्रगति करे। और ये भी है कि भक्तों की भक्ति की प्रशंसा भक्तों के अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है, ये एक वास्तविकता है। हम वास्तव में प्रशंसा करते हैं कि भगवान की कितनी कृपा इनको प्राप्त है, कि ये भगवान कितनी अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। तो अंततः गुणगान जो होता है वो हमेशा भगवान का होता है, भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान का गुण, क्योंकि भक्त के अंदर जो भी गुण हैं वो तो भगवान के ही गुणों का प्रकटीकरण है। शुद्ध आत्मा के अंदर अपने क्या गुण हैं, हम तो बहुत शुद्ध हैं, हम केवल भगवान के गुणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आईना प्रकाश को रिफ्लेक्ट क्या बोलेंगे उसको परावर्तित करता है, उसी प्रकार से भक्त भगवान के गुणों को परावर्तित करता है, वो उसके अपने गुण नहीं है। तो इसलिए कभी किसी भक्त को अहंकार होना ही नहीं चाहिए। हमारे अंदर ऐसा है क्या जिसके प्रति हम अहंकार हमारे अंदर आए? अगर कुछ अच्छा है तो वो केवल भगवान के गुण को हम परावर्तित कर रहे हैं। तो ये भक्त के अंदर समझ होनी चाहिए। और एक भक्त को दूसरे भक्त से व्यवहार ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसका, अगर वो कनिष्ठ अवस्था में है तो उसका मिथ्या अहंकार ना बढ़े, और दूसरे भक्त को परेशान करना मतलब फिर तो वो सही अवस्था में उपस्थित नहीं है। तो उससे क्या समझना चाहिए? उससे ये समझना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है, कम से कम ये समझना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं होना है। दूसरे गलत उदाहरण से हमें क्या समझना है? हमें ऐसा नहीं होना है, करेक्ट, ये हमें कम से कम समझना है। अगर हम उसको सुधार नहीं पाएँ, अगर उसको हम ठीक नहीं कर पाएँ, तो कम से कम हम ऐसे नहीं बने, ये तो हमें समझना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? माया के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामु पियांति ते। भगवान बुद्धि देते हैं सब कुछ समझने के, भगवान तो मायाधीश हैं। तो अगर आप गंभीर हैं माया को समझने के लिए, भगवान मैं माया से डरता हूँ मुझे बचाइए माया से, तो भगवान आपको बचाएंगे। केवल समझने की बुद्धि नहीं, उसको आपको उसको उससे बचाएंगे। लेकिन हमारे अंदर तीव्रता होनी चाहिए कि हमें माया में नहीं गिरना है, हमें माया से बचना है, हमें माया से पूरी तरह से बाहर निकल जाना है,
पूरी तरह से भानुपद है, हमें पूरी तरह से भगवान की शरण में जाना है, हमें अपने को झोंकना है। अगर वो जितनी आपके अंदर उत्सुकता है उसी मात्रा में भगवान आपको माया से निकालेंगे। दैवीय शगुण में ही मम माया दुरत्या माँ में ये प्रपद्यंते माया में ताम। और जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो हमारा भक्ति में उत्साह बना रहता है, जब अकेले होते हैं तो उत्साह गिर जाता है। तो प्रश्न क्या है, भक्तों का संग कीजिए। जब आपके पास उत्तर है कि भक्तों के संग में उत्साह बढ़ता है, अकेले तो नहीं, तो भक्तों के संग में रहिए, अकेले मत रहिए। लेकिन जाना ही पड़ता है अकेले, क्या करें, हम तो आश्रम में नहीं रहते। तो इसलिए ऐसी भी भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, भगवान ने निर्देश दिया है कि हमें भक्तों का संग छोड़ के नहीं जाना पड़े, भक्तों के संग में ही रहिए। ऐसे समुदाय भगवत भक्तों के समुदाय में हमें रहना चाहिए, ऐसी भी व्यवस्था है। ये श्री प्रभुपाद की इच्छा थी, भक्त समुदाय। ऐसा नहीं है कि यही आइडियल है बस, कि संडे संडे आओ, दो घंटे रहो और फिर ज़बरदस्ती छोड़ के चले जाओ। वो ऐसे जैसे कि एक बच्चा जो है उसको माँ से दूर करना है ना, तो ये ऐसा अभी है, ऐसा हमारी वर्तमान स्थिति है, लेकिन ऐसी आदर्श स्थिति नहीं। आदर्श स्थिति होनी चाहिए कि हमारा ऐसा समुदाय हो जिसमें भक्तों के साथ में रहना, क्यों छोड़ के जाना पड़े भक्तों के समय। ऐसी व्यवस्था भी है, उसके लिए प्रयास हम सबको, आप सबको करना चाहिए। हर मंदिर के अंदर ये आयोजन होना चाहिए कि भक्त जब इस बात को समझने लगे आपकी तरह से कि भक्त संघ छोड़ के जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, तो फिर उत्सुकता जब आए कि भक्त संघ छोड़ के नहीं जाना है, माया इंटरप्शन। माया को ये चीज अच्छी नहीं लगती है सुननी, है ना, इसलिए वो लाइट भगाई थी। तो इसलिए आप उत्सुक होइए कि भक्तों के संग में हमेशा रहें, तो और या उसके लिए व्यवस्था है, मत छोड़िए भक्तों का संग। और कोई प्रश्न है वहाँ पर भी, किसी का प्रश्न है क्या? अच्छा ओके, हेलो। शास्त्र सिखाता है कि धर्म का ही साथ देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। कितनी दफा ऐसा परिस्थिति होती है कि मैं अपना जो कर्तव्य होता है वो अधर्म की ओर करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है, उसे क्या कर सकते हैं? धर्म को समझना बहुत गहन विषय हो सकता है, मुश्किल विषय हो सकता है। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के सामने भी ऐसी स्थिति थी कि धर्म उस समय है क्या, ऐसी विकट परिस्थिति होती, लगता है कि ये भी अधर्म है, ये भी अधर्म है। तो ऐसी विकट परिस्थिति के लिए फिर हमें वरिष्ठ जो भक्त हैं, जो उसमें ज़्यादा दक्ष हैं, कि कोई भी परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट क्या पॉसिबल है। हर हमेशा से आदर्श स्थिति नहीं होगी, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कोई भी परिस्थिति में क्या करना है। तो वो फिर अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें फिर वरिष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए। एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं अडूल हूँ और मेरे पास तो बहुत केस आते हैं, मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं जो अधर्मी है, जिसको मीन्स जिसने दूसरे को अन्याय किया हुआ है, इसका मुझे केस लड़ना है, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे लड़ना ही पड़ेगा, मेरे पास आया है तो वो कंडीशन में क्या करूं? थोड़ा सा गहरा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, समय केवल एक ही मिनट बाकी है, मैं आपको संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में विस्तार से चर्चा आप कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। हमारा वर्तमान समय में जो पूरा एडवोकेट प्रोफेशन है वही भगवान के आदेश के विरुद्ध है। हमारे जो लॉज हैं वो मैन मेड लॉज हैं, वो भगवान के द्वारा दिए गए लॉज नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको वकील होना है तो आपको कृष्ण का वकील होना चाहिए। वो तभी संभव है जब आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, अगर आप कोई सही आदमी आएगा सो कॉल्ड, वो भी जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र संगत न्याय हो रहा है, जो आज शास्त्र लॉ जिसको न्याय बोलता है, वो भी बहुत सारी चीज़ जो शास्त्र के अनुसार अन्याय है, करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, लॉ के अंदर क्लियरली ये अन्याय है फिर भी हमें उसको करना पड़ रहा है, तो फिर जैसे युद्ध हो रहा था जब दुर्योधन और उसका युद्ध तो हो रहा था, तो अभी दुर्योधन बोले भाई मैं तो शत्रु, मेरे तो काम ही युद्ध करना है, मैं क्या करूं। जैसे धृतराष्ट्र थे, है ना, तो धृतराष्ट्र ने साथ दिया दुर्योधन का, करेक्ट, तो उनका था कि भाई मैं अभी कौरव, मेरा मैंने प्रण लिया है कि मैं कौरवों का हमेशा उनका साथ दूंगा, तो इसलिए मैं साथ दे रहा हूं। लेकिन वास्तव में वो नहीं था, उनको युद्ध करना है पर
पर धर्म के लिए युद्ध करना है। तो आपको एडवोकेट आपको काम है, लेकिन जो शास्त्र के विरुद्ध है उसके लिए आप मत लड़िए केस, आप उसको छोड़ दीजिए। तब आएगा फिर तो पूरा प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे आदमी तो ऐसे ही है। तो अगर ऐसी आपकी स्थिति है तो फिर आप ये समझिए कि वास्तव में आप केवल एक जीवी को उपार्जन करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सारे के सारे चोर हैं, इधर भी चोर है उधर भी चोर है। तो अब आपका कार्य वास्तव में केवल क्या रह गया कि ये मेरी एक जीविका है, इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, विवशता है और कुछ इससे बेटर नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई मार्ग मिले जिसमें आपको अधर्म का डायरेक्टली ग्रॉस रूप में ऐसा अधर्म का काम नहीं करना पड़े, तो अगर आपके लिए संभव है तो ऐसा कोई प्रोफेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर एक वो विवशता है, तो ठीक है आपका भी एक परिवार है और इसको आपको चलाना है तो कुछ कार्य करना पड़ रहा है। एक ऐसी विवशता है कि सबके सब अधर्मी है इधर उधर सब तरफ, तो एक आपकी एक विवशता है। तो उस तरह से कि ये एक निम्न अवस्था में आपको कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ठीक है एक शरीर को मेंटेन करने के लिए आप कर रहे हैं, आप कम से कम इस शरीर से आप भगवान की सेवा कीजिए, परिवार को उसमें लगाइए और फिर धीरे धीरे प्रचार कीजिए जिससे कि वो परिस्थिति बदल सके। तो उस स्तर पर रह के फिर कार्य कीजिए। कई बार अधर्म का प्रयोग एक स्तर पर करना पड़ सकता है अंततः उसको परास्त करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या संभव है करना, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं करना। लेकिन आपकी दिशा वही होनी चाहिए कि मुझे उस तक पहुँचना है, भले ही आप आज तुरंत उस तक नहीं पहुँच पा रहे लेकिन आपकी डायरेक्शन तो वही होनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो अभी समाप्त हो गया समय। श्री प्रभुपाद की जय।